हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेज. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड आवर इंग्लिश ग्रामर 12th चैप्टर पास्ट टेंस. लेट्स सी डेफिनेशन. द वर्ब्स दैट रेफर टू पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन पास्ट टेंस. वे क्रियाएं जो हमें भूतकाल के समय को, पास्ट टाइम को इंगित करती हैं, उन्हें पास्ट टेंस इट मीन्स भूतकाल कहा जाता है. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस. पास्ट टेंस के भी प्रेजेंट टाइम, जैसे प्रेजेंट टेंस के हमने फोर टाइप्स रीड किए थे, उसी तरह से पास्ट टेंस में भी फोर टाइप्स होते हैं. सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फोर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फर्स्ट टाइप है इसका सिंपल पास्ट टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस जो है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है. तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड. सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ में डिड हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है. सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा कि आपको पता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम. और प्लूरल सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स. लेकिन जो इसका पास्ट देखिए, जो चारों टाइप्स आपको दिए हुए हैं, इन चार टाइप्स के इसमें चार चार सेंटेंस बनते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. तो जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, इसके पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं होता है. ओनली मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है. बाकी अदर जो इसके सेंटेंस है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, उनमें डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. लेकिन इसके पॉजिटिव सेंटेंस में, जो सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है. तो जहां आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे, वहां पर हमें कौन सा टेंस करना है, सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस होता है. तो ये इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से ही हम आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में कि कौन सा टेंस है. सिंपल पास्ट टेंस है इसका पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. देखिए एग्जांपल हम देखेंगे तो बेन हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज नहीं होगी एंड इसका मेन वर्ब किसमें सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट. तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रही है और इसमें क्या आ रहा है, वेंट सेकंड फॉर्म आ रही है. टू स्कूल बाई बस. नेक्स्ट है इसका आई वेंट टू स्कूल बाई बस. थर्ड है वी वेंट टू स्कूल बाई बस. देखिए इसमें सेम एग्जांपल है, ओनली इसमें सब्जेक्ट चेंज किए हुए हैं. तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि सब में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होगी. उसके बाद पॉजिटिव के बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस. तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब. सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड. एंड नेगेटिव सेंटेंस है ये तो इसमें नोट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, गो. बेन डिड नॉट गो टू स्कूल बाई बस. सेकेंड एग्जाम्पल है इसका आई डिड नॉट गो टू स्कूल बाई बस. थर्ड एग्जाम्पल है इसका वी डिड नॉट गो टू स्कूल बाई बस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए इसकी डिड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जब बनाते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिड हेल्पिंग वर्ब से. तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट चल रहा है तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होगी, डिड. उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. एग्जाम्पल डिड बेन गो टू स्कूल बाई बस एंड एंड में क्वेश्चन मार्क. सेकेंड एग्जाम्पल है डिड आई गो टू स्कूल बाई बस एंड में क्वेश्चन मार्क. हाउ देखिए WH वर्ड से स्टार्ट होता है, हाउ, वेन, वेयर, वर्ड. तो उनके सबसे पहले WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड ही आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एंड में क्वेश्चन मार्क. तो हाउ डिड वी गो टू स्कूल बाई बस एंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट टाइप है इसका पास्ट कंटिन्यूस टेंस. सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज एंड वर. सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ में तो वाज. देखिए आई वैसे प्लूरल में काउंट करते हैं बाकी टेंस में, लेकिन जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें हम आई को सिंगुलर सब्जेक्ट में ही काउंट करेंगे और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज यूज करेंगे. ओके, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर यूज करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी. कंटिन्यूस टेंस चाहे कौन सा भी हो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी यूज किया जाता है. देखिए इसके एग्जाम्पल
बेन वॉज गोइंग टू स्कूल बाई बस. आई वॉज गोइंग टू स्कूल बाई बस. वी वर गोइंग टू स्कूल बाई बस. नेगेटिव सेंटेंस है इसका. सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ में वॉज नोट यूज करेंगे. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर नोट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी. एग्जाम्पल है बेन वॉज नोट गोइंग टू स्कूल बाई बस. आई वॉज नोट गोइंग टू स्कूल बाई बस. थर्ड एग्जाम्पल है इसका वी वर नोट गोइंग टू स्कूल बाई बस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंगुलर सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ में वही वाज यूज करेंगे. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर और सब्जेक्ट उसके बाद में देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. उसके बाद सब्जेक्ट फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और एंड में क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. देखिए वाज बेन गोइंग टू स्कूल बाई बस एंड में क्वेश्चन मार्क. वाज आई गोइंग टू स्कूल बाई बस एंड में क्वेश्चन मार्क. हाउ वर वी गोइंग टू स्कूल बाई बस एंड में क्वेश्चन मार्क. देखिए आज के लिए इतना ही. इसके पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. आपको जो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है इसकी एक टेबल मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रही हूँ तो उसको आपको नोटबुक में करना है और लर्न भी करना है. थैंक्स.